दवानी में हिंसा हुई और हिंसा में करीब 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और जिस तरीके से ये हिंसा हुई, लेकिन इसके पीछे जो अराजक तत्व हैं वो तो निकल गए। हमेशा हिंसा में निर्दोष और बेकसूर लोग पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा जाता जो इसके पीछे मास्टरमाइंड होते हैं, और मास्टरमाइंड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मास्टरमाइंड होते हैं उनका मकसद ही होता है हिंसा करवाना। और हिंदू मुस्लिम हिंसा हो गई, उनका काम तो हो गया, लेकिन इसमें सजा भुगतेंगे निर्दोष लोग। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कह रहा आगे आओ, मतलब पथराव आगे से आके करो, आगे ही गलियों में आओ, उसका रहा है, ये जो लोग हैं उस्काए गए लोग हैं। कहीं ना कहीं इसकी जांच बहुत तह तक होनी चाहिए, और जो इसके पीछे मास्टरमाइंड उनको पकड़ा जाना चाहिए। सरकार उस पर काम कर रही है, और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि काफ़ी निर्दोष लोगों की भी मृत्यु हुई है और कुछ जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। हिंसा हो गई लेकिन उसमें बेकसूरों की जान जा रही है, और बेकसूर ज़्यादातर फंसते हैं। अब कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचना होगा कि किसी के बहकावे में ना आए, हिंसा क्यों करें, प्रेम से रहें। एक अवैध कब्जा है जहाँ मस्जिद बनी है, नवाज स्थल है, उसको पुलिस हटाने गई और इसको लेकर जम के पथराव हो गया। हम मंदिर और मस्जिद में कब तक उलझे रहेंगे इस बात को लेकर, और आपस में कब तक लड़ते रहेंगे। और जो इसके पीछे मास्टरमाइंड होता कभी नहीं पकड़ा जाता, उनका फायदा हो जाता है, वो इस जो कार्रवाई होती है हिंसा की, लोगों द्वारा पथराव किया जाता है, उसमें सफल हो जाते हैं। कहीं चाकू मारा जा रहा है, कहीं बम फेंका जा रहा है, कहीं पथराव किया जा रहा है, ऐसी हिंसा हृदय विदारक है, और ऐसी हिंसा से हमें बचना चाहिए। हिंसा किसी भी तरीके से जायज नहीं है, ये गांधी का देश है जहाँ पर शांतिप्रिय तरीके से लोगों को रहना चाहिए, लेकिन लोग बहकावे में आ गए हैं और उसका खामियाजा निर्दोष लोग भुगत रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।